एक बार एक राजकुमारी के शादी के लिए बहुत दूर से तीन राजकुमार अपने कला का प्रदर्शन करने आए होते हैं, जिसमें पहला वाला राजकुमार तलवार चलाने में माहिर होता है, वहीं दूसरा वाला राजकुमार बहुत ताकतवर होता है और तीसरा वाला राजकुमार किसी काम का नहीं होता है। महारानी इन सभी को बोलती है कि राजकुमारी का हाथ जीतने के लिए सबको अपने कला के द्वारा अपने आप को साबित करना होगा, जिसके बाद यहाँ एक बड़ा सा तीरंदाजी का खेल आयोजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले मोटा राजकुमार अपना धनुष लेकर गोले में निशाना लगाता है, लेकिन इसका तीर निशाने से बहुत दूर लगता है। फिर दूसरा राजकुमार अपना धनुष लेकर गोले में निशाना लगाने लगता है, इसका तीर निशाने से बस थोड़ी ही दूरी पर लगता है। और अब बारी आती है तीसरे राजकुमार की, जिसको सही से धनुष पकड़ना भी नहीं आता है, जिससे ये निशाना भी नहीं लगा पाता है। महाराज इसे तीर चलाने को बोलते हैं, तभी इसके हाथ से तीर छूटकर निशाने के एकदम बीच में जाकर लग जाता है, जिसके बाद इसका पिता खुशी से नाचने लगता है। तभी राजकुमारी गुस्सा होकर अपना तीर धनुष लेकर खेल के मैदान में उतर जाती है और सारे तीर निशाने पर मारती है।